भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। अपना दल यस और भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से चुनाव के मैदान में है। मैं समझता हूं कि इस बार 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम विकास की चीजों को लेकर के विकास के मार्ग से बेरोजगारी दूर करने के लिए हर कार्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और तिलका विधानसभा क्षेत्र में भारी मतों से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा ये कहना है प्रधानमंत्री जी हमें, उनका तो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से दो दो बार सांसद रहे, बिल्कुल आना चाहिए, पर केवल चुनाव के लिए 3 दिन आके रुकेंगे? जनता बनारस की गलियों में घूमने के लिए, बनारस के लोगों से मिलने के लिए कभी 3 दिन बनारस रुके हैं मोदी जी? मेरा ये सवाल है देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद से कि कभी केवल चुनाव में 3 दिन रहेंगे? 3 दिन केवल चुनाव में रहेंगे? बनारस के लोगों का सुख दुख जानने, कोरोना काल में हमारे यहाँ के सैकड़ों लोग मर गए, परिवार तबाह हो गया, अनाथ हो गए, क्या मोदी जी कभी उन परिवारों से मिलेंगे? मैं ये सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से। प्रियंका जी आ रही कि नहीं? अरे आएंगी, बिल्कुल आएंगी।